वृद्धों के सभा अपेक्षा से कम रही भीड़, प्रचार प्रसार में पिछड़ते दिख रहे। दीवान नरसिंहपुर होशंगाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए दीवान शैलेंद्र सिंह के समर्थन में प्रचार हेतु पंजाब से स्टार प्रचारक के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया गया था, जिसमें श्री सिद्धू की सभा का आयोजन गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के गाडरवारा मुख्यालय में रखा गया, जहां पर सिद्धू द्वारा भाजपा जमकर तंज कसा और क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने हेतु जनता से अनुरोध किया। सिद्धू की सभा के दौरान मंच के सामने लगी कुर्सियां खाली नजर आईं और पर्याप्त भीड़ भी सभा के आयोजन में नहीं देखी गई, जिसमें क्षेत्र की कांग्रेस कमेटी कमजोर नजर आई। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के अलावा मात्र चंद लोग ही नजर आए। अपनी आन की बात है, अपनी शान की, जय भारत, जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की। ये शान है, ये सियाचिन के फौजी जो खड़ा है, सियाचिन पे जो फौजी खड़ा है उसके पास BSNL है। तो बताओ नरेंद्र मोदी, तुमने BSNL को 4G क्यों नहीं दिया? बगैर 4G के, बगैर 3G के क्या कोई मोबाइल कंपनी चल सकती है, टेलीफोन कंपनी चल सकती है? तुमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुमने 4G का कॉन्ट्रैक्ट जियो दंदनादन को दिया। जियो दंदनादन, अंबानी दंदनादन, अंबानी दंदनादन, वारे वाह मोदी वाह, सरकारी कंपनी मार के तू देगा पैसे अंबानी को और फिर कहेगा बहनों भाइयों मैं तो राष्ट्रभक्त हूं, मैं तो देशभक्त हूं। अरे बेच रहे हो नरेंद्र मोदी, तुम प्राइवेट लोगों के हाथ हिंदुस्तान की संपत्ति बेच रहे हो। हिंदुस्तान का खजाना, स्टेट का खजाना, लोगों के खून पसीने के पैसे तुम इन अंबानियों और अडानियों की जेब में डाल रहे हो। NTPC जो यहां सबसे ज्यादा नौकरी देती है, जो जान प्राण है इस रीजन की, वो कंपटीशन करके 3 रुपए कमाए बिजली के, और बगैर कंपटीशन तुम अडानी और अंबानी को 5 रुपए 80 पैसे की